तो दिल्ली एनसीआर में 21 जगहों पर सीबीआई की कार्रवाई, जिसकी तस्वीरें भी आपको दिखाई। सीबीआई की कार्रवाई पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान आया है। कहा, शराब के ठेके में भ्रष्टाचार हुआ है, ये कहना है अनुराग ठाकुर का। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सिसोदिया की साठगांठ से ही भ्रष्टाचार हुआ। अनुराग ठाकुर ने ये भी कहा और साथ ही कहा कि आपने सत्येंद्र जैन को बर्खास्त नहीं किया। एक्साइज मंत्री एक्सक्यूज मंत्री बनकर, यानी कि जो एक्साइज मिनिस्टर हैं वो अब एक्सक्यूज देते हुए नजर आ रहे हैं, कहकर भी तंज कसा अनुराग ठाकुर ने। कहीं उनकी भी याददाश्त नहीं चली जाए, ये भी बात कही। जनता को मूर्ख बनाना बंद करें अनुराग ठाकुर, जिन्होंने ये तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि एक्साइज मंत्री हैं लेकिन एक्सक्यूज मंत्री बन गए हैं। भ्रष्टाचारी जितना मर्जी ईमानदारी का चोला पहन ले, वो भ्रष्टाचारी ही रहता है। और आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार एक बार नहीं, कई बार देखने को सामने आया है। आज मुद्दा है शराब के ठेकों का, शराब के ठेकों में हुए भ्रष्टाचार का। और इस विभाग के मंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी। जिस दिन सीबीआई को जांच दी, उसी दिन शराब नीति को वापस लिया। अगर शराब नीति में कोई घोटाला नहीं था तो उसको वापस क्यों लिया? क्योंकि शराब के ठेकों में भ्रष्टाचार हुआ, शराब के ठेकों में दिल्ली में भयंकर भ्रष्टाचार हुआ। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की सांठगांठ सामने आई, इसीलिए शराब नीति को वापस लिया। सीबीआई और जांच की डर अरविंद केजरीवाल जी को मजबूर करती है ट्वीट करने पर कि ये शिक्षा नहीं, ये शराब की बात हो रही है और आम आदमी पार्टी के शराब के ठेकों में हुए भ्रष्टाचार की बात हो रही है। जनता को मूर्ख ना समझें, राष्ट्र के नाम अपना संदेश देना बंद करें। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप के पहले मंत्री सत्येंद्र जैन जब जेल गए भ्रष्टाचार में, आपने तब भी उनको बर्खास्त नहीं किया। वो कहते हैं उनकी याददाश्त चले गई। आशा करता हूं एक्साइज मंत्री एक्सक्यूज मंत्री तो बन गए हैं, कहीं उनकी भी याददाश्त ना चली जाए। देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुबह ये बड़ी कार्रवाई और 20 ठिकाने जहां पर ये सीबीआई की कार्रवाई, लेकिन दिल्ली एनसीआर में 21 जगह अब हो गई है जहां पर ये कार्रवाई जारी है। सीबीआई की कार्रवाई पर अनुराग ठाकुर का बयान अभी आप सुन रहे थे। पूरी जानकारी लेंगे दिल्ली न्यूज एडिटर और हमारे सहयोगी आदित्य नागर इस वक्त जुड़ चुके हमारे साथ। आदित्य, अल सुबह सीबीआई की कार्रवाई होना और उसके बाद मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के तमाम जो बड़े दिग्गज हैं उनके बयान सामने आना कि अगर गिरफ्तारी होती है तो जांच में सहयोग करेंगे, क्या लगता है? जिस जानकारी को लेकर के लगातार जो खबरें आ रही है कि मनीष सिसोदिया के घर जब पहुंची है टीम तो गिरफ्तारी करने के लिए पहुंची है, उस पर कितनी पुख्ता ये खबर और कितनी सत्यता है इसमें, क्या जानकारी? देखिए, 7 राज्यों में इस मामले से जुड़े छापेमारी हो रही है जी। सुबह करीबन 1.5 घंटे पहले सीबीआई की टीम पहुंची थी और खुद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के साथ साथ 30 और ठिकाने हैं जहां पर इस मसले को लेकर छापेमारी हो रही है। हालांकि डिप्टी सीएम ने कहा कि मैं स्वागत करता हूँ और अगर छापेमारी करना चाहती है सीबीआई के जो भी जानना चाहती है मैं उसका स्वागत करता हूँ। लेकिन एक्साइज पॉलिसी केस में 7 राज्यों में छापेमारी और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर सुबह सीबीआई टीम पहुंची थी। सीबीआई टीम ने नई एक्साइज पॉलिसी की जांच के सिलसिले में सिसोदिया के सरकारी आवास विंग दिल्ली सचिवालय पहुंची है और सिसोदिया के अलावा तत्कालीन आबकारी आयुक्त अरवा गोपी कृष्णा के घर पर भी सीबीआई की टीम ने छापेमारी की। अगर अपडेट्स की बात करें तो आम आदमी पार्टी 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं अलग अलग तरीके से। अनुराग ठाकुर ने कहा कि सीएम केजरीवाल की आप सरकार बेनकाब हो गई है, भ्रष्ट व्यक्ति खुद को बेकसूर साबित करने की कितनी भी कोशिश करे वह भ्रष्ट ही रहेगा। दिल्ली में शराब की दुकानों में बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है और इसके अलावा देखिए जो उपराज्यपाल जी के सक्सेना का कहना है कि सीबीआई जांच शुरू हो गई है। मुख्य सचिव नरेश कुमार की रिपोर्ट में कहा गया था कि नई नीति के जरिए शराब लाइसेंस धारियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है और रिपोर्ट से सीधे मनीष सिसोदिया का नाम भी लिया गया था। यह रिपोर्ट एलजी को भी सौंपी गई थी और आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया ने इस पर पहुंचने के बाद सिसोदिया ने ट्वीट भी करें, अगर ट्वीट की बात करें तो सिसोदिया ने लिखा है सीबीआई आई है उनका मैं स्वागत करता हूँ, हम कट्टर ईमानदार लोग हैं। जहाँ एक तरफ आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया को भ्रष्टाचार बीजेपी बता रही है और सीबीआई भ्रष्टाचार के खिलाफ ही उनके पहुंची है, वहां उन्होंने कहा कट्टर ईमानदार लोग हैं, लाखों बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्य है कि हमारे देश में जो अच्छा काम करता है उसे इसी तरह परेशान किया जाता है, इसलिए हमारा देश नंबर 1 नहीं बन पाएगा।
जहां पर दो दिन पहले कैंपेन अरविंद केजरीवाल लगातार चला रहे थे कि देश को नंबर वन बनाना है, वही अब इस सीबीआई छापे के बाद मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि कैसे बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। हम सीबीआई का स्वागत करते हैं, जांच में पूरा सहयोग भी करेंगे ताकि जल्द से जल्द सच सामने आए। अभी तक मुझ पर कई केस किए लेकिन कुछ भी नहीं निकला, ऐसे में आगे क्या निकल जाएगा ये भी उन्होंने कहा। और देश में अच्छी शिक्षा के लिए मेरा काम रोका नहीं जा सकता, ये लोग दिल्ली की शिक्षा और स्वास्थ्य काम को परेशान कर रहे हैं, इससे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्री को पकड़ा है ताकि शिक्षा और स्वास्थ्य में को रोका जा सके, उसका काम को आगे नहीं बढ़ाया जा सके, ये तमाम बातें उन्होंने लिखी है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि पहले भी कई रेड हुई है, कुछ भी नहीं निकला, और ऐसे में 11 बजे आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट करके कहा जिस दिन अमेरिका में सबसे बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पर दिल्ली शिक्षा मॉडल की तारीफ और मनीष सिसोदिया की तस्वीर छपी, उसी दिन मनीष के घर पर केंद्र ने बीजेपी भेजी और केंद्र का स्वागत पूरा सहयोग करेंगे। देखिए लड़ाई जो है ना सिर्फ ये तो भाई मसला बड़ा है, सीबीआई पहुंची है और बीजेपी कहती है कि केस के बाद सीबीआई पहुंचती है, उसमें हर बात पर बीजेपी को टारगेट किया जाता है, चाहे ईडी हो चाहे सीबीआई। लेकिन कहीं आम आदमी पार्टी और बीजेपी, चाहे फिर वो रोहिंग्या का मामला हो चाहे तमाम मामला हो, आपने देखा होगा कि अब हर बात से आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने आ जाती है। ऐसे में ये बड़ा मसला है, 20 और ठिकानों में 7 राज्यों में इसकी छानबीन चल रही है। आपको बता दें कि रिपोर्ट में कहा गया है कि पहले जहां दिल्ली के सरकारी स्कूल की पहचान और तमाम अलग अलग जो न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट की मैं बात करें तो न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में भी जिसका हवाला दिया गया है अरविंद केजरीवाल द्वारा, उन्होंने भी ट्वीट करके तमाम चीजें कही हैं। लेकिन अब अगर नवंबर 2021 में लागू की गई थी नई शराब नीति और 2020 में दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति लाने की बात कही थी, फिर मई 2020 में दिल्ली सरकार विधानसभा में नई शराब नीति को लेकर आई जिसे नवंबर 21 में लागू किया गया था, और मुख्य सचिव की जांच रिपोर्ट में सरकार पर लगे 4 कानून तोड़ने का आरोप भी है। मुख्य सचिव जो नरेश हैं कुमार, उनकी रिपोर्ट में कहा गया है कि शराब नीति को लागू करने से पहले प्रस्तावित नीति को कैबिनेट के समक्ष रखना होता है, इसके बाद कैबिनेट के पास उस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए उपराज्यपाल को भेजना होता है, लेकिन इस प्रोसेस को नहीं अपनाया गया। रिपोर्ट में 4 नियमों को तोड़ने की बात की है। अगर हम नियम की बात करें तो GNPTD अधिनियम जो 1991 है, व्यापार नियमों के लेन देन 1993 है, और दिल्ली उत्पादक शुक्ल अधिनियम 2009 और दिल्ली उत्पादक शुक्ल नियम 2010, ये तमाम चीजों को ओवर रूल किया गया है। फिलहाल सीबीआई इनके घर पर है और राजनीति जो है आज बिल्कुल अदिति, और ये बड़ी कार्रवाई, इससे आगे भी जानकारी आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए, साथ जुड़ने के लिए।